हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एफएफबी लाइव केमिस्ट्री क्लास। पिछले क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया था। इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, उसके अलावा एसिडिटी या एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पर डिस्कस किया था। तो आज के क्लास में हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पर डिस्कस करेंगे। कितने तरह के रिएक्शंस होते हैं ये पिछले क्लास में बताया था, तो उन्हीं को हम आज यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आज के क्लास का टॉपिक होगा। टुडेज टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ए मॉलिक्यूल ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड इज कंपोज ऑफ ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप COOH, एंड एन एल्किल ग्रुप और एन एरिल ग्रुप। हेंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड आर ड्यू टू दीज groups. The chemical reactions in general may be discussed under the following headings as discussed in previous class. First, due to carboxyl group, इसमें तीन चार तरह के रिएक्शन है। पहले है रिएक्शन इन्वॉल्विंग प्रोटॉन, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द ओ एच ग्रुप। देन सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, reaction involving carbonyl groups, this is the carbonyl group, and reaction involving carboxyl group as a whole. And second type of reaction is, ये reaction चारों किसके थे, carboxylic group के reaction थे। And second type of reaction, reactions due to alkyl group or an aryl group present in the carboxylic acid. Now reaction due to carboxyl group, that is COOH group. First reaction involving proton showing acidic character. These reactions are showing acidic character of carboxylic acid. Now reaction first reaction with highly electropositive metals. Monocarboxylic acid reacts with highly electropositive metals like sodium, potassium, calcium, zinc, etc. इवॉल्विंग हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्मिंग करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, जो कि बेसिक प्रॉपर्टी होती है एसिड की, वो रिएक्शन है ये। फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू फॉर्म सॉल्ट, सोडियम फॉर्मेट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन। लाइक दिस एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद पोटेशियम, फॉर्म्स पोटेशियम एसिटेट एंड इवॉल्विंग हाइड्रोजन। Benzoic acid reacts with sodium metal to form sodium benzoate and evolving hydrogen. Now second type of reaction which shows acidic character of carboxylic acid, reaction with alkalis. Monocarboxylic acid neutralizes hydroxide to form corresponding salts and water. यानी acid और base का जो fundamental reaction है, acid plus base form salt and water. Now acetic acid reacts with sodium hydroxide to form sodium acetate and water. Acetic acid reacts with ammonium hydroxide form ammonium acetate and water. And benzoic acid, when reacts with NaOH, it forms sodium benzoate and water. Now carboxylic acids can be regenerated by treating these salts with dilute mineral acid. इन साल्ट का रिएक्शन एक जो एसिड से कराते हैं, तो फिर से ये हमें एसिटिक एसिड और साल्ट मिल जाता है। नाउ रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट्स विद वीकर बेस सच एज कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, फॉर्मिंग करेस्पॉन्डिंग साल्ट्स विद इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। Now, so acetic acid reacts with sodium carbonate, it forms sodium acetate and
इवॉल्व सीओ टू गैस विथ वाटर. तो सीओ टू गैस एक एफरबेक्स ब्रिस्क के साथ निकलती है, तो जिससे कि हम लेबोरेटरी में इसका टेस्ट करते हैं. टेस्ट ट्यूब में लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड या जो भी एसिड हो, उसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. तो ये लेबोरेटरी में सी ओ ओ एच ग्रुप के टेस्ट का रिएक्शन है. एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम एसिटेट, इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. लाइक दिस एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म कैल्शियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम बेंजोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. This reaction can be used to distinguish carboxylic acid from phenols. Phenols do not give effervescence with aqueous solution of sodium bicarbonate. तो CO2 गैस जो निकलती है वो इफरवेसेंस के साथ निकलती है, जिससे हम पहचान लेते हैं कि जो कंपाउंड है वो एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड. Now reaction with Grignard reagent. कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रैपिडली टू गिव हाइड्रोकार्बन अलोंग विद मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ द एसिड. दिस इज द मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ एसिड. नाउ एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इट फॉर्म्स इथेन. नाउ रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ये सारा रिएक्शन कौन सा था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम OH. नाउ रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. First formation of ester. This is the reaction with alcohol. When fatty acids are heated with alcohol in presence of dehydrating agents like concentrate H2SO4 or dry HCl gas, ester are formed like this. This is acetic acid. This is acid. This is the alcohol. Reacts in presence of concentrated sulfuric acid, it forms ester and water. For example, acetic acid reacts with ethyl alcohol in presence of concentrated H2SO4, it forms ethyl acetate and water. This reaction is termed esterification. It is a reversible reaction and show reaction. This reaction is termed esterification. It is a reversible and slow reaction, but it is speeded up by the presence of a small amount of or inorganic acids as a catalyst. तो inorganic acid जब presence होता है तो ये as a catalyst काम करता है और इस reaction की rate को ये fast करता है. Since esterification is an equilibrium reaction, therefore to shift the equilibrium in the forward direction, water is removed as soon as it forms. Water हटाते जाएंगे तो reaction जो है ये forward direction में बढ़ता जाएगा, और अगर नहीं हटाएंगे तो ये reversible reaction है, और वापस ये दोनों reaction करके फिर से ये acetic acid और ethyl alcohol बना लेंगे. Now to shift the equilibrium in the forward direction, water is removed as soon as it forms, and either carboxylic acid or alcohol is used to in excess. The rate at which a carboxylic acid is esterified depend primarily upon the steric hindrance in the alcohol and the carboxylic acid. The reactivity of alcohol towards esterification increases as primary alcohol के मुकाबले सेकेंडरी एल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव होता है. उसके बाद तो रिएक्टिविटी इस तरह से एल्कोहल में सेकेंडरी की उस प्राइमरी से ज़्यादा और टर्शरी किससे ज़्यादा, सेकेंडरी की उसके बाद प्राइमरी की और देन एथिल एल्कोहल. सिमिलरली रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेज एज प्राइमरी, जब कार्बन सेकेंडरी का कार्बनिक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये लेस रिएक्टिव होगा, सेकेंडरी उससे ज़्यादा रिएक्टिव और प्राइमरी उससे ज़्यादा, उसी तरह. और उसके बाद एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड इज द मोस्ट रिएक्टिव
एसिड. तो दो तरह की रिएक्टिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स एस्टरीफिकेशन इंक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर. नाउ मैकेनिज्म ऑफ एस्टरीफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. It is a kind of nucleophilic acyl substitution. The mechanism of esterification involves the following step. First, protonation of the carbonyl group. In presence of mineral acid, concentrate H2SO4 or HCl gas, the carbonyl oxygen of carboxylic acid accepts a proton to form protonated carboxylic acid. First, this is the carboxylic acid and mineral acid का hydrogen ion इसके साथ जुड़ जाता है और ये protonated carboxylic acid बनता है जो कि दो तरह का hybrid structure होता है इसका. इस तरह से H पे यहाँ पे plus charge, ये double bond होगा, यहाँ पे C पे plus charge और ये OH इस तरह से होंगे. Now, step second, nucleophilic attack by the alcohol molecule. The electron-rich oxygen atom of alcohol molecule attaches itself at positively charged carbon atom to form tetrahedral intermediate like this. Oxygen और carbon के बीच इस तरह से reaction होता है, alcohol का oxygen में ये. और ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है इन द सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप में ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा. फ्रॉम द रिजल्टिंग इंटरमीडिएट ए प्रोटॉन शिफ्ट टू OH, इधर शिफ्ट कर जाता है ये, यहाँ से इस तरफ OH एंड फॉर्म अनदर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट थर्ड लाइक दिस. यहाँ से ये प्रोटॉन शिफ्ट कर गया इधर और ये हो गया O प्लस H2 RCOOR-OH. दिस इज द इंटरमीडिएट. नाउ फोर्थ स्टेप, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है इसमें. द इंटरमीडिएट थर्ड लूजेज ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अबाउट प्रोटोनेटेड ईस्टर. This is the protonated ester. Minus H2O यहाँ से निकल जाएगा और ये क्या होगा, protonated ester. This is the fourth structure. And last step, loss of proton. A proton remove हो जाएगा. The protonated ester finally loses a proton to form an ester like this. ये अपना इस जो sharing electron pair इधर transfer करके अलग हो जाएगा और ester form होगा. तो फिर से एक बार सारी मैकेनिज्म देख लो. पांच स्टेप में रिएक्शन हो रहा है. पहले है प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप लाइक दिस. उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द एल्कोहल मॉलिक्यूल. एल्कोहल मॉलिक्यूल से उस इंटरमीडिएट पे अटैक हो रहा है और ये बन रहा है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. थर्ड प्रोसेस इज ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन यहाँ से ये इधर हो रहा है और इस तरह का इंटरमीडिएट बनता है. फोर्थ स्टेप, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और प्रोटोनेटेड एस्टर बनता है. और लास्ट स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन इसके बाद ईस्टर बनता है. द अबव मैकेनिज्म इज सपोर्टेड बाय द आइसोट्रॉपिक प्रेशर स्टेराइड दैट स्टेरिफिकेशन इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ H ऑफ OH बॉन्ड ऑफ एल्कोहल एंड OH ऑफ COOH बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज सजेस्टेड बाय द अबव मैकेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एसिटिक एसिड इज स्टेरिफाइड विद आइसोटोपिकली लेबल्ड मिथेनॉल CH3 OH, जिसमें O हम आइसोटोप लेते हैं इसका, O17 की जगह O18, द ईस्टर दैट इज मेथिल एसिटेट दस फॉर्म वाज फाउंड टू कंटेन O18 व्हाइल वाटर फॉर्म डिड नॉट हैव एनी आइसोटोपिक ऑक्सीजन लाइक दिस. मेथिल एल्कोहल में O18 है, यहाँ पे एसिटिक एसिड से रिएक्शन होता है तो मेथिल एसिटेट में जो O है वो आती है इस एल्कोहल से, जबकि वाटर में
O18 नहीं होती। अनदर एग्जाम्पल बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद एथिल अल्कोहल ऑफ O18 ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स एथिल बेंजोइक। तो एथिल बेंजोइक की ऑक्सीजन जो होती है वो 18 यानी आइसोट्रॉपिक हाइड्रोजन होती है। तो इस तरह से ये रिएक्शन इस मैकेनिज्म जो अभी बताया उसको कंफर्म करता है कि जो ऑक्सीजन एस्टर में आती है वो कहाँ से आती है, एल्कोहल से। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, द रिएक्शन विद PCl5, PCl3 और SOCl2, दीज आर द एसिड क्लोराइड्स, दिस इज द फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड एंड सल्फोनिल क्लोराइड। इन सबसे रिएक्शन होता है जब एसिड का, तो क्या फॉर्म होता है, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद फॉस्फोरस क्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड्स इन पिरिडीन्स। सिमिलर रिएक्शंस आर ऑब्जर्व्ड विद फॉस्फोरस ब्रोमाइड। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद PCl5 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, इट फॉर्म्स एसिटिल क्लोराइड एंड फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl। नाउ एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद PCl3, इट फॉर्म्स एसिटिल क्लोराइड एंड फॉस्फोरस एसिड। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, इट फॉर्म्स इथेनॉइल क्लोराइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इवॉल्व इन दिस रिएक्शन एंड फॉर्म HCl। Now benzoic acid reacts with PCl5, it forms benzoyl chloride, POCl3 and HCl. Now benzoic acid when reacts with thionyl chloride in presence of C5H5, and this is the benzoyl chloride, it forms benzoyl chloride, sulfur dioxide and HCl. Thionyl chloride is preferred because the other two products SO2 and HCl are gases and easily escape. तो benzoyl chloride या acetyl chloride बनाने के लिए sulfur thionyl chloride को preference देते हैं, क्योंकि जो SO2 और HCl form होती है वो escape हो जाती है और हमें acid chloride मिल जाती है। Now formation of amides and nitriles. Now reaction with NH3 on heating. तो जब reaction अमोनिया के साथ होता है गर्म करने पे तो क्या फॉर्म होता है, एमाइड्स एंड नाइट्राइल्स। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिया फॉर्म अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम सॉल्ट्स ऑन हीटिंग लूज ए वाटर मॉलिक्यूल एंड कन्वर्टेड इनटू करेस्पॉन्डिंग एसिड एमाइड्स। एसिड एमाइड्स, दिस इज द एसिड एमाइड। Now acetic acid, this is ammonium salt and this is acid amide. Now carboxylic acid reacts with ammonia. First it forms ammonium salt and when heated it forms acid amide. Example, acetic acid when reacts with ammonia it forms ammonium acetate, and this ammonium acetate when heated it loses water to form acid amide. The amide on heating with phosphorus pentoxide loses one or more water molecule forming cyanide, which is known as nitrile. Now amide when heated with phosphorus pentoxide it forms alkyl nitride and water. For example, acetamide when heated with P2H5 it forms methyl cyanide, or it is known as ethane nitrile and water molecules. Now benzoic acid reacts with ammonia to forms ammonium benzoate first, which is heating loses water molecule to form benzamide, and this benzamide when heated again with P2O5 it loses water again and form phenyl cyanide, that is benzo nitrile. Now phthalic acid when reacts with ammonia it forms ammonium phthalate like this. H remove करके H के साथ यहाँ NH3 जुड़ जाता है तो ये COONH4. This is ammonium phthalate. This ammonium phthalate when heated, this is ammonium salt of phthalic acid.
When heated, it loses two molecules of water and form thalamide. And this thalamide, when strongly heated, loses ammonia molecules to form thalamide, like this. Overall reaction, देख सकते हो इस तरह से, थैलिक एसिड, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, थैलामाइड. नाउ फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, दिस इज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन. मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज फास्फोरस पेंटोक्साइड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म इन hydrides by elimination of a water molecule from two molecules of carboxylic acid. Now two molecules of carboxylic acid when heated in presence of P2O5 or in presence of concentrate H2SO4 it forms acid anhydride. For example, two molecules of acetic acid reacts with two molecules of acetic acid heated in presence of P2O5 or concentrated H2SO4, it forms acetic anhydride. This is the acetic anhydride and water. Like this benzoic acid, two molecules of benzoic acid when heated with acetic anhydride, it forms benzoic anhydride. एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं. एसिड एनहाइड्राइड कैन आल्सो बी ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग एसिड क्लोराइड विद कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन. नाउ दिस इज द एसिटिल क्लोराइड एंड दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिल क्लोराइड इन reacts in presence of pyridine. It forms acetic anhydride. ये structure होता है acetic anhydride का NaCl. और sodium acetate यानी salt of acetic acid, sodium acetate and acetyl chloride when heated, it forms acetic anhydride and NaCl. तो ये दोनों reaction, एक एसिटिक एसिड को एसिटिल क्लोराइड के साथ या एसिटिक एसिड के सोडियम साल्ट को एसिटिल क्लोराइड के साथ इधर हीट करने पर या पिरिडीन की प्रेजेंस में तो सेम प्रोडक्ट बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ पे HCl और यहाँ NaCl. फॉर्मिक एसिड डज नॉट फॉर्म एन हाइड्राइड. Now reactions involving carbonyl group, CO, C double bond O group present होता है carboxylic acid में. तो अब जो ये reaction है, ये reaction involving carbonyl group. The carbonyl group of CO double bond OH does not give the usual reaction of C double bond O group, mainly due to the reduced double bond character of the carbon oxygen bond because of resonance. Now reduction to alcohol. Now this is C again. The carbonyl group does not, this is the carbonyl group of COOH group, does not give the usual reactions of C carbonyl group, mainly due to the reduced double bond character of the carbon oxygen bond because of resonance. Now reduction to alcohol, it depends upon the nature of reducing agent used. Lithium aluminium hydride in ether solution or with hydrogen in presence of copper chromite catalyst or BF3 and THF or H2RU, etc. reduce monocarboxylic acid easily into primary alcohol. Carboxylic acid when detected in presence of lithium aluminium hydride and ether, it forms alcohol. Now example, acetic acid when detected in presence of lithium aluminium hydride and ether, it forms ethyl alcohol. It reduced into alcohol. Now acid when detected in presence of these catalysts,
CuO or chromic oxide, here diborane and ether, it forms alcohol. For example, benzoic acid, another reaction for aromatic acid, benzoic acid reducted in presence of lithium aluminium hydride, is it forms benzoyl alcohol. Now, reactions of carboxylic group as a whole. First is decarboxylation. The reaction whereby carboxylic acid loses carbon dioxide is called decarboxylation. When heated, it forms RH and loses carbon dioxide. This is the alkane. Although the unusual stability of carbon dioxide means that decarboxylation of most of acid is exothermic, but in practice the reaction is not always easy to carry out because the reaction is very slow. When sodium salt of carboxylic acid is heated with soda lime is NaOH and CaO in the ratio of 3.1. So sodium hydroxide or calcium oxide को जब three यानी three parts NaOH और one part CaO में लेते हैं तब इस picture को क्या कहते हैं soda lime. Then when sodium salt of carboxylic acid is heated with soda lime, alkane is formed. Sodium salt plus NaOH in presence of ये दोनों का mixture soda lime लेते हैं. हीट करते हैं 630 केल्विन, इट फॉर्म्स एल्केन एंड सोडियम कार्बोनेट. हियर सोडियम, फॉर एग्जांपल सोडियम एसीटेट रिएक्ट्स विद सोडा लाइम एट 630 केल्विन, इट फॉर्म्स मीथेन एंड सोडियम कार्बोनेट. दिस रिएक्शन कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द डिसेंडिंग डाउन द सीरीज, दैट इज डिक्रीजिंग ऑन वन कार्बन एटम इन चेन. The sodium benzoate reacts with NaOH with CaO, it forms benzene and sodium carbonate. when two carboxylic groups are attached to the same carbon atom, that is gem dicarboxylic acid, decarboxylation takes place simply or heating. क्या हो है? अच्छा, हम क्लास ले रहे थे, आओगे ऊपर? अच्छा ठीक है, इनको भेजते हैं. अच्छा ठीक है, इनको भेज रहा. एक्सक्यूज मी. Sorry for interruption. Come on the topic. Sodium benzoate reacts with soda lime. ये हो चुका, benzene formation होता है. अब ये when two carboxyl groups are attached to the same carbon atom, which is known as gem dicarboxylic acid, decarboxylation takes place simply on heating. तो जेम, इस तरह से एक ही कार्बन से जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होंगे तब दिस इज नोन एज मेलोनिक एसिड, तब हीट करने पे एसिटिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लूज होता है. द बीटा कीटो एसिड्स आर अनस्टेबल एसिड्स एंड दे इजीली अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन. दिस इज द बीटा कीटो एसिड, कीटो ग्रुप है बीच में.
अल्फा कार्बन होगा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद का, और ये बीटा कार्बन, तो ये क्या कहलाता है, बीटा कीटो एसिड। व्हेन हीटेड इट फॉर्म्स कीटोन, मेथिल फेनिल कीटोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज नोन एज कोल्बे सिंथेसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होगा इसका, ऑफ फैटी एसिड्स यील्ड एल्केन। दिस इज द पोटेशियम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, इट फॉर्म्स कार्बोक्सिलेट आयन एंड सोडियम आयन ऑन आयनाइजेशन, एंड H2O फॉर्म्स OH आयन एंड 2H+। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब कराते हैं तो इतने आयन बनते हैं मिक्सचर में। एट एनोड कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलेट आयन RR यानी एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पे हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ ओवरऑल रिएक्शन, पोटेशियम एसीटेट, फॉर एग्जांपल पोटेशियम एसीटेट का जब वाटर में सॉल्यूशन बना के इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो इथेन बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। नाउ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, दिस इज नोन एज हिंड्स डिकर रिएक्शन। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सम इनर्ट सॉल्वेंट सच एज द कार्बन टेट्राक्लोराइड गिव्स एल्किल एरिल ब्रोमाइड्स विद वन कार्बन एटम लेस देन द पेरेंट एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, दिस इज सिल्वर एसिटेट, रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इट फॉर्म्स एल्किल ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर एसिटेट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन डिजॉल्व इन CCl4, इट फॉर्म्स मेथिल ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व एंड सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर बेंजोएट, दिस इज द सिल्वर बेंजोएट, रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ब्रोमीन डिजॉल्व करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड पे, हीट करने पर ब्रोमोबेंजीन कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr बनता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हिंड्स डिकर रिएक्शन। Now reaction to alkanes, carboxylic acid on reduction with hydroiodic acid and red phosphorus at 473 to 523 Kelvin give alkane. Here COOH group as a whole is completely reduced to a CH3 group. Now carboxylic acid when reducted in presence of red phosphorus and heated at this temperature 473 to 523 Kelvin it forms alkane, water and iodine. Now acetic acid reducted with red phosphorus as 473 and 2523 Kelvin it forms ethane, water and iodine. Now formation of amines, this is Schmidt's reaction. Primary amines containing one carbon atom less are formed when monocarboxylic acid react with hydrazoic acid in presence of concentrated sulfuric acid. This is hydrazoic acid. When reacts with acid in presence of concentrated sulfuric acid, primary amine carbon monoxide and NO2 is formed. Hello? वालेकुम अस्सलाम। सूट दो दो, चार सूट था, दो हमारा दो बेटी का और एक दुपट्टा है। हाँ एक सूट जो है ऑरेंज कलर का, उसी का दुपट्टा था, कुछ बैगनी टाइप का। बैगनी कलर ज्यादा है उसका।
और नाप का होगा हमारा और उसका दोनों का। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स स्मिथ रिएक्शन, आज कई बार डिस्टर्ब हो चुका है। नाउ हाइड्रोजोइक एसिड रिएक्ट्स इन विद एसिटिक विद कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स प्राइमरी एमीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। Now example, acetic acid reacts with hydrozoic acid in presence of sulfuric acid. It forms methylamine, carbon dioxide and nitrogen. This reaction is called Smith reaction. Now benzoic acid reacts with hydrozoic acid in presence of concentrated sulfuric acid. It forms aniline and carbon dioxide and nitrogen. Now reaction with CH2N2, which is diazo methane, undergoes condensation with carboxylic acid to give a methyl ester. That is, carboxylic acid reacts with diazo methane. When heated, it forms methyl ester and N2. Now reaction due to alkyl group. इन एसिटिक एसिड CH3 ग्रुप इज एल्किल ग्रुप। तो अब जो रिएक्शन देखना है वो एल्किल ग्रुप के साथ जो रिएक्शन होते हैं, तो फर्स्ट रिएक्शन इज हैलोजनेशन। व्हेन ए कार्बोक्सिलिक एसिड दैट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन एटम्स इज ट्रीटेड विद क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट रेड फॉस्फोरस आयोडीन या आयरन the alpha hydrogen atoms are replaced by chlorine or bromine atoms. The reaction occurs in presence of sunlight or on boiling and is known as Hell-Wellhardt-Zelnitsky or HVZ reaction. This is the important reaction. Acetic acid when reacts with chlorine in presence of red phosphorus इस लूज इसका जो एक हाइड्रोजन एटम है वो लूज कर जाता है, देन इट इज फॉर्म क्लोरो एसिटिक एसिड। अब ये रिएक्शन आगे चलता जाएगा, अगर हम प्रोवाइड करते रहे क्लोरीन और रेड फास्फोरस तब ये दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, तो ये बनेगा डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। आगे रिएक्शन और बढ़ाते जाएंगे तो तीसरा हाइड्रोजन भी CH3 ग्रुप का क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा और ये बनेगा ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। So these are the reaction due to CH3 group or alkyl group. The reaction does not stop at mono substitution but continues till all the alpha hydrogen atoms are replaced like this. पहले एक alpha hydrogen replace होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से alpha alpha dash dichloro acid बनेगा। It may be noted that bromination exclusively occur at the alpha dash position and the reaction stop after all alpha hydrogen atoms have been replaced by bromine atom. Alpha halogenated acids act as starting material for preparing other substituted acid where halogen atoms can be easily replaced by a number of groups such as OH, CN, NH2, etc. For example, these are the chloroderivatives of acetic acid. This is alpha chloroderivatives. Reacts with NaOH, it loses NaCl. NaCl अलग हो जाता है, Na के साथ Cl रिप्लेस हो जाता है, OH इसको रिप्लेस कर देता है और Na जो है Cl के साथ NaCl बना लेता है और ये कंपाउंड बनता है अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड विच इज नोन एज लैक्टिक एसिड। नाउ दिस रिएक्ट्स विद NaCl सोडियम साइनाइड इट फॉर्म्स अल्फा साइनोप्रोपियोनिक एसिड। यहाँ Cl जो को CN रिप्लेस कर देता है। इसी तरह अमोनिया से रिएक्शन होने पे क्लोरीन को एमिनो ग्रुप रिप्लेस कर देता है और बनता है अल्फा एमिनो प्रोपियोनिक एसिड। सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन होने पे क्लोरो ग्रुप नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है और बनता है 2-nitropropanoic एसिड। तो इस तरह से ये रिप्लेसमेंट रिएक्शंस हैं इसके।
और KOH से रिएक्शन कराने पे प्रोप टू इन वन ओइक एसिड यानी अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है और HCl और साथ में H2S. नाउ फॉर्मिक एसिड डज नॉट शो दिस रिएक्शन. नाउ मैकेनिज्म ऑफ HVZ रिएक्शन. The function of red phosphorus is to first combine with bromine to form a little of bromine phosphorus tribromide. This then when reacts with carboxylic acid to form corresponding acid bromide which enolized to a larger extent than the acid. Thus it gives phenyl bromide. Bromination, this is the bromination reaction. First phosphorus और bromine के बीच reaction होता है तो phosphorus tribromide बनता है. अब ये phosphorus tribromide reacts with propionic acid to form propionyl bromide and phosphorus acid. This propionyl bromide का enolization होता है तो ये enol form में convert हो जाता है. बाद में Br2 से reaction करके HBr lose करता है और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है 2 ब्रोमो प्रोपेनिल ब्रोमाइड. दिस इज द ब्रोमिनेशन रिएक्शन और HVZ रिएक्शन. द इंटरमीडिएट ए जब यहाँ ये फाइनल ये बन गया तो दिस इज द इंटरमीडिएट. दिस रिएक्ट्स विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय इंटरचेंज ऑफ ब्रोमीन एंड OH टू फॉर्म हेलोजेनेटेड एसिड लाइक दिस. जो इंटरमीडिएट यहाँ बना था ये फिर से प्रोपियोनिक एसिड से रिएक्शन करता है और बनाता है अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड एंड प्रोपेनाइल ब्रोमाइड. नाउ सेकेंड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन. मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन. फॉर्मिक एसिड और ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लाइक दिस. However, prolonged heating with powerful oxidizing agent oxidizes acids into carbon dioxide and water with 3% H2O2. They are oxidized to beta hydroxy acid. So H2O2 की presence में butyric acid का reaction जब से H2O2 से reaction करके ये convert हो जाता है beta hydroxy butyric acid में. Now oxidation of alpha methylene group takes place by selenium oxide to give a keto acid. Selenium oxide के साथ reaction होता है carboxylic acid का तो ये बनाता है alpha keto acid and H2O and selenium अलग हो जाता है. Now when acid oxidized carboxylic acid oxidized with KMnO4, the alpha hydrogen atom is oxidized to OH group like this isobutyric acid. This is alpha carbon. When oxidized with KMnO4, it forms alpha keto acid. Now reaction due to aryl group. This is substitution reaction of benzene ring. The benzene ring of benzoic acid undergoes the usual electrophilic substitution reactions such as nitration, sulfonation, and halogenation. Since COOH group in benzene ring is an electron withdrawing group, therefore it is a meta directive group. This is the meta directive group. तो जो भी साइड ग्रुप आकर के जुड़ेगा वो मेटा पोजीशन पे. इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग एंड हेंस डीएक्टिवेट्स इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशन. रिएक्शन इस तरह से दिस इज द बेंजोइक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4. दिस रिएक्शन इज नाइट्रेशन. It forms 3-nitrobenzoic acid or meta-nitrobenzoic acid. When this reacts with fuming sulfuric acid, this is the sulfonation reaction, forms meta-sulfonic acid or 3-sulfonic benzoic acid. And when bromination occurs, reacts with bromine in presence of iron bromide, it forms 3-bromobenzoic acid. Now uses of carboxylic acid.
Benzoic acid is used in medicine in the form of its salts, especially as urinary antiseptic. It is used as sodium benzoate for preservation of foods such as fruit juice, tomato ketchup, and pickles. In the preparation of aniline blue, in the treatment of skin disease like eczema, the test of carboxylic acid or benzoic acid. Benzoic acid dissolved in hot water but separate out in form of white shiny flecks on cooling. It involves CO2 with sodium bicarbonate. It gives effervescence with sodium bicarbonate. Natural ferric chloride gives a buff colored precipitate of ferric benzoate. And when warmed with ethyl alcohol, a little concentrated sulfuric acid, a fragrant odor of ethyl benzoate is obtained. Now, benzoic acid, when heated strongly with soda lime, benzene vapors are evolved which are inflammable. Now, formic acid and methanoic acid. Formic acid is the first member of monocarboxylic acid series. It occurs in sting of bees, wasps, red ants, sting nettles, and fruits. In traces, it is present in perspiration, urine, blood, and in caterpillars. It was first prepared by the distillation of red ants, and hence the name was given as formic acid. Method of preparation properties, इसका हम अलग से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. यहाँ थोड़ा सा ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल एल्कोहल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, किस तरह से फॉर्मिक एसिड बनाते हैं ऑक्सीडेशन से, यहाँ दिया हुआ है, तो इसको देख सकते हो. वैसे हम डिटेल में इसके बारे में अलग से वीडियो, जिसमें फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे. यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल एल्कोहल और फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड इस तरह से बनता है. ओके, तो इसका डिटेल स्टडी हमें नहीं बतानी है, बल्कि हमने यूजेज ऑफ बेंजोइक एसिड एंड टेस्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बताया. उसके अलावा सारे केमिकल, जो इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड थे, चाहे वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एलिफैटिक, उस सब के बारे में इसमें डिस्कस हुआ है. बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है, उसके लिए सॉरी. बहरहाल जो हमारे बताने में कोई उसमें डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, थोड़ा सा ज़रूर वेट करना पड़ा होगा. और अगले क्लास में हम, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी पिछले क्लास में बताया था, इसलिए केमिकल रिएक्शन भी आगे डिस्कस कर दिया. कल के क्लास में हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पर डिस्कस करेंगे.